नमस्कार, मैं निकिता शर्मा राजपुरोहित एंड मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मैंने 12th किया है, इसके बाद मैंने रैम शोज करना स्टार्ट किए थे। मैंने आधा मैंने डिजाइनर कोर्स भी किया था, एज अ डिज़ाइनर भी मैंने काम किया है, बट मॉडलिंग का ज़्यादा किया है। नहीं, बचपन में मैंने एक्टिंग का नहीं सोचा था, मेरे को मॉडलिंग करना था। तो मैंने पहले रैम शोज किए काफ़ी सारे, उसके बाद फिर मैंने एक्टिंग फील्ड में मैं बाद में कम से कम 2013-15 में हूँ मैं एक्टिंग फील्ड में। मेरी मॉम हाउस वाइफ है एंड फादर मेरे डॉक्टर थे। बड़ी दी है, छोटी सिस्टर है एंड मैं हूँ। तो मुंबई में कब आए, मतलब क्या सोचते हो? 2014 ऐसा कुछ, मेरे बस एक्टिंग करना है मुझे बॉम्बे जाके, और फिर मैंने बॉम्बे आके मैंने विदुर इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखा है। 4 महीने का मैंने कोर्स किया था, बाकी उसके बाद फिर मैंने एड शूट किए हैं, रैम शोज किए हैं एंड एक कोरी मूवी की साउथ की तमिल। हाँ, लॉकडाउन में सबका हाल था, बट मैं लकी थी इस मामले में कि मेरी फैमिली मेरे पास थी यहाँ पे उस टाइम पे, और हमारा हैप्पी मोमेंट था वो। मतलब लॉकडाउन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैंने लॉकडाउन इन्जॉय किया एक्चुअली। हाँ, बट मेरा ऐसा नहीं रहा क्योंकि मुझे इस तरह से नहीं करना है। अगर करा होता तो मैं अभी तक बहुत कुछ कर चुकी होती अभी तक, लेकिन नहीं किया मैंने। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है एक्चुअली फाइनेंस के लिए। कोऑर्डिनेटर के थ्रू, बाकी ऑडिशंस दिए हैं काफ़ी सारे, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनके कॉन्टेक्ट से डायरेक्ट मैं उनसे मिली हूँ, बाकी ऐसा और कुछ नहीं। हाँ, ऑफकोर्स करना पड़ता है, वो हर गर्ल्स के साथ है, मेरे साथ अकेले के साथ नहीं है, हर गर्ल्स हर मॉडल के साथ ये स्थिति है यहाँ पे। पर बहुत कुछ मैंने भी फेस किया है, बट मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं करना है। हाँ, आपको बता सकती हूँ, हर चीज़ के लिए आपसे यही पूछेंगे कि अगर आपको हम मूवी में लेंगे बाय द वे तो आप हमें क्या दोगी, हमें आपसे क्या फ़ायदा है, या फिर आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हो, या फिर अम्बानी की बेटी रही हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। मैं यही बोलती हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं, बट जो भी हूँ मैं निकिता शर्मा हूँ, और मैं यहाँ पर काम करूँगी अपने कंडीशन पर करूँगी, आपके जगह कहने पर नहीं करूँगी कि आप जो कह रहे हो कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी तो आप मुझे काम दोगे, ऐसा नहीं। बॉलीवुड में तो कोई नहीं है। बॉलीवुड में मतलब कि डांस और लिफ्टिंग के लिए मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। फर्स्ट मेरा मैं चाहती हूँ कि मैं अगर डेब्यू करूँ बाय द वे बॉलीवुड में तो मुझे एक कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा ने लास्ट टाइम किया था जिसमें वो क्या बोलते हैं थोड़ा विलन थी, वो उस टाइप का करेक्टर मुझे चाहिए। नेगेटिव चाहिए, बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, जो मतलब पूरा टॉम गर्ल टाइप हो, थोड़ा सा डॉन उसमें, मतलब नेगेटिव कई तरह के होते हैं। तो आप एक जो आप आपकी तरफ से कभी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हाँ, तो क्या कहना चाहोगी इस तरह का, मतलब उनका बिहेवियर होना चाहिए एक एक्ट्रेस के साथ में? मैं यही कहना चाहूँगी सब लोगों से कि अगर न्यू आर्टिस्ट आते हैं बाय द वे तो उन लोगों से अच्छे से ट्रीट करें, अच्छे से बात करें, उनको कॉन्शियस ना करें और उनके साथ में किसी भी तरीके कोई कंडीशन ना दिखे। आप मतलब आपके जो ड्रीम है, हाँ, ड्रीम तक पहुँचने के लिए आप क्या क्या, मतलब आप रोज एक करते हो ना एक्सरसाइज करते हो, आप मैं जिम जाती हूँ, मतलब क्या है, मतलब करते हो क्या? सुबह जल्दी उठती हूँ, पूजा करती हूँ सबसे पहले तो मैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि मॉडल गर्ल्स पूजा नहीं करती, बट मैं करती हूँ एंड मैं जिम जाती हूँ। बाकी दिन में तो बस जो भी ऑडिशंस होते हैं, मीटिंग होती है, बस वही करती हूँ। बॉयफ्रेंड अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इसके लिए, बट हाँ फ्यूचर में हो सकता है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अभी मैं काम, अभी मेरा फिलहाल मेरा बॉयफ्रेंड मेरा काम ही है अंजलिला बंसाली, क्योंकि वो राजस्थानी कॉन्सेप्ट ज़्यादा उठाते हैं तो मुझे एक बार उस पर करना है। ट्राई किया बट अभी तक मीटिंग नहीं हुई उनसे मेरी अभी तक। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ प्लीज सर एक बार मुझे चांस दीजिए, मैं भी आपकी मूवी में आना चाहती हूँ। क्या खूबी है कि वो आपको कास्ट करें? क्या खूबी है ये तो वो मुझे मिलके देख पाएंगे कि मुझमें क्या खूबी है और मुझसे वो क्या ले सकते हैं एज एक्टर। कोई फेवरेट डायलॉग संजय लीला भंसाली जी का? डायलॉग तो सारे फेवरेट, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है।